आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है? अब इसका भी आंसर आपका गलत दिया हुआ है। आधुनिक रसायन विज्ञान, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, आपको याद है या नहीं है पता नहीं, पर मैंने ये बताया हुआ है कि मॉडर्न केमिस्ट्री का कौन है जन्मदाता, ये है लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर को बोला जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्मदाता। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, यानी फ्री स्टेट में मिल सकता है? तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से कौन सा मिल सकता है, यह है सोना। सोना फ्री स्टेट में मिल सकता है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? मैंने बताया नेचुरली जितना भी आपको गैस, जो कंबस्टेबल गैस है वो सब मिलते हैं, उसमें से उसका मेन जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा मीथेन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मैंने क्या बताया था, रेड एस, आर एस और जीबी, ये दो चीज मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए। आर एस यानी रेड स्ट्रोंशियम के कारण और ग्रीन बेरियम के कारण। आप इन सब चीजों को तो रट लो अभी, अगर मेरे साथ आप इतने दिनों से हो तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल मुंह पे रहना चाहिए, कहीं पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अरे यार इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड है, रेड स्ट्रोंशियम, आर एस जीबी, आर एस जीबी। आप ये सब चीज को बस खा जाओ। अब गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गंधक यानी सल्फर, सल्फर के साथ आप जब रबड़ को ट्रीट करते हो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वल्केनाइजेशन। ये मैंने बहुत बार बताया। अब गल्वेनाइजेशन क्या होता है, गल्वेनाइजेशन होता है जब आयन पे आप जिंक का एक लेप चढ़ाते हो तो उसको बोलते हैं गल्वेनाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किस प्रोसेस से, ये आपका श्वसन यानी रेस्पिरेशन। किससे संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया, यह है रेस्पिरेशन संबंधित। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, ये केकर नहीं, ये कैंकर रोग है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, ये होता है जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से। अच्छा उस, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है, कैंकर रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से। अब आपको ये याद रखनी है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनस। क्या नाम है, जेंथोमोनस साइट्री, जेंथो ZENTHO, जेंथोमोनस MONUS। ठीक है, जेंथोमोनस साइट्री, जेंथोमोनस साइट्री, आप यहां से लिख लेना, जेंथोमोनस साइट्री बैक्टीरिया, इसका बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनस मोनस साइट्री। और सबसे अधिक किस तरह के नींबू को ये प्रभावित करता है, तो कागजी नींबू, आप जानते हो ना सबसे जो परफेक्ट नींबू होता है कागजी, जिसका चमड़ा बहुत पतला होता है। ठीक है, तो कागजी नींबू को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, कौन, तो ये कैंकर रोग, और बैक्टीरिया का क्या नाम है, जेंथोमोनस सेट्री। आप इस चीज को याद रखो यहां से। बहुचर्चित रोग ब्लास्टर, इसको ब्लास्टर या ब्लास्ट बोल सकते हो, ब्लास्ट रोग या झोंका इसको बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, ये संबंधित है धान से। किससे संबंधित है, धान से। धान का एक बहुत ही खराब बीमारी है ये ब्लास्ट रोग, और ये किससे होता है, ये होता है फंगस से। क्या होता है, ये फंगल बीमारी है, फंगस से होता है, कौन सा, ब्लास्ट रोग। अच्छा फंगस का नाम क्या है, फंगस का नाम है पिरिकुलेरिया, आप लिख लो इसको, पिरिकुलेरिया ओरिजी, पिरिकुलेरिया ओरिजी, पिरिकुलेरिया ओरिजी। ठीक है, पिरिकुलेरिया ओजी इसका नाम है, जिस फंगस के कारण ये ब्लास्ट रोग होता है। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को हम लोग मनाते हैं? तो मार्च में हम लोग मनाते हैं विश्व वन दिवस, कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 21 मार्च को। कब मनाते हैं विश्व वन दिवस, 21 मार्च को। एक छत्ता में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आप सबको पता है कि कितनी हो सकती है, ये हो सकती है एक, रानी मधुमक्खी सिर्फ एक होती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के उत्पादन से। यहाँ आपका दिया हुआ है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन नहीं, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति। ठीक है, ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो इस यूनिवर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है वो कितना हो सकता है, हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? अब देखो यहाँ पे आपका आंसर आपको सही दिया हुआ है, इसमें गलत नहीं है, यह है जैकब परकिंस। कौन है, जैकब परकिंस, इन्होंने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया। पर आपको ऑप्शन में कभी कभी जैकब परकिंस नहीं मिल सकता है, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको आंसर में मिलेगा ओलिवर एवांस। क्या मिलेगा, ओलिवर, ओलिवर एवांस। ठीक है, अब ये ओलिवर एवांस कौन है, एक्चुअली में देखो हुआ क्या था, 1805 क्या था हमको, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, 1800 के आसपास में ओलिवर एवांस जो था
ओलिवर एवांस ने सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का थियरी जो उन्होंने अपना डेवलप किया उसके बारे में उन्होंने सोचा कैसा एक मशीन हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, उन्होंने सब चीज़ तैयार कर लिया था और इनको परमिशन भी मिल गया था कि आप ये बना सकते हो, कौन, ओलिवर एवांस को। लेकिन इन्होंने कभी इसको बनाया ही नहीं, बस इनको ये थ्योरेटिकल रह गया इनका कि मैं एक रेफ्रिजरेटर बनाऊंगा। यानी कि सबसे पहला थॉट, सबसे पहला आइडिया जिसको आया वो है ओलिवर एवांस। लेकिन जैकब परकिंस जो है इन्होंने इसका पेटेंट ले लिया बहुत साल बाद, 25-30 साल के बाद इन्होंने, शायद 30 के राउंड इन्होंने परमिशन ले लिया। ठीक है, पेटेंट इनको मिल गया बनाने का और इन्होंने फिर एक मशीन बनाया जिसका काम था आइस जमाना, यानी रेफ्रिजरेटर की तरह उन्होंने एक मशीन को बनाया था। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर पूछे आपसे रेफ्रिजरेटर का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, या जैकब परकिंस ऑप्शन में ना रहे। ठीक है, ऑप्शन में आपको देखो कुछ भी दे सकता है, अगर अगर जैकब परकिंस ना रहे तो आपका आंसर क्या होगा, ओलिवर एवांस, ओलिवर एवांस, क्योंकि सबसे पहला आइडिया इन्हीं को आया था। लेकिन सबसे पहला बनाया किसने, ये बनाया जैकब परकिंस ने। एम्पेयर मात्रक है, एम्पेयर किसका मात्रक है आप सबको पता है, ये है विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का। ईमेल का जन्मदाता कौन है, ईमेल का जन्मदाता कौन है, ये है रे टॉमलिंगस। कौन है, रे टॉमलिंगस ईमेल का जन्मदाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा है, ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, ये है आपका कोलंबिया। ठीक है, तत्व जो अमालगम में होता है, अमालगम में एक ऐसा तत्व है जो हमेशा होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसी के मिक्सर को हम लोग बोलते हैं अमालगम, तो वो कौन सा है, वो है HG यानी मरकरी। मरकरी रहेगा किसी भी मिक्सर में तो उसको हम लोग बोलेंगे अमालगम। नौसादर का सूत्र है, नौसादर ये होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको अब पता चल गया होगा अमोनियम क्लोराइड है, इसका सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होगा, ये है NH4Cl। नौसादर का सूत्र क्या है, NH4Cl। मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है कि ठोस में ठोस का विलयन, इसको बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है, ठोस में ठोस का विलयन। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो किस टाइम पीरियड में आपका श्वसन दर जो है, ब्रीथिंग रेट है वो सबसे कम होगा, तो वो कब होता है, वो होता है निंद्रा में, खर्राटे भरते समय, या सोते समय, जनरली आपको लिख सकता है सोते समय सबसे कम आपका ब्रीथिंग रेट होता है। वायरस की रचना होती है, तो वायरस की रचना कैसी होती है, ये होती है अकोषीय, अकोषीय यानी इसमें कोई भी कोशिका नहीं होता है। ठीक है, वायरस में वायरस सेल्स नहीं बना होता है, यानी इसमें कोई भी सेल्स नहीं होता है, जिसके कारण से ये, अब एक चीज आपको यहाँ से और याद रखना है कि ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और भी जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब कोई खुद से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन वायरस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करता है। जिस सेल को ये प्रभावित करता है, अगर किसी सेल पे इसने अटैक किया, फिर वहां से इसका जो नंबर है वो बढ़ते जाता है, ये यहाँ से प्रोड्यूस होते जाता है और इसका बहुत जल्दी रेपिडली नंबर बढ़ता है। लेकिन खुद से, जैसे ये एक वायरस है ये डिवाइड होकर दो में बढ़ जाए और सब जैसी चीजें प्रोड्यूस होता है, तो उस तरह से ये नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का चीज़, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फ्रीज होके, जैसे आप इसको एक परफेक्ट कंडीशन मिल जाए तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, और फिर उस वो कंडीशन ना मिले तो आप फिर स्टेग्नेंट करके इसको रख सकते हो, कभी मार नहीं सकते, वायरस कभी खत्म होता ही नहीं है। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हरा रंग आलू में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है सोलेनिन के कारण। किसके उपस्थिति कारण, सोलेनिन के कारण। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है केसीन। कौन सा होता है, केसीन। किस देश की गाय टीकप कॉ कही जाती है, तो टीकप कॉ कही जाने वाली गाय, गाय को टीकप कॉ कही जाने वाली देश कौन सी है, ये है भारत। भारत में गाय को टीकप कॉ कहा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है आपका बरेली में। कहाँ है, बरेली। जगह एक नाम, एक जगह है उसका नाम है इज्जत नगर। आप सबको पता होगा कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, बरेली कहाँ है, बरेली यूपी में है। एक मेगावाट घंटा, एक मेगावाट घंटा यानी आवर, एक मेगावाट आवर किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 × 10⁻⁹ जूल। कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁹ जूल। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तेज कक्षीय गति यानी सबसे ज्यादा तेज ऑर्बिटल स्पीड किसका होता है, ऑर्बिटल स्पीड सबसे ज्यादा तेज किसका होता है, ये होता है बुध का। आपका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बुध का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सबसे तेज होता है, वो लगभग 47.87 यानी आप इसको लिख सकते हो 48 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन एन एवरेज, लेकिन एग्जैक्ट है इसका 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है आपका बुध का। और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका बृहस्पति, बृहस्पति का तो मात्र
13.07 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 13.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है आपका बृहस्पति का। तो सबसे तेज किसका है, ये है बुध का। भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है, तो जो भी आपके ऑप्शंस में है इसमें से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन है भारत का, यह है संकुल। कौन सा है, संकुल। और इसका मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 1994 के आसपास में हुआ था, कब हुआ था, 1994 के आसपास। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है, कैमरे में कौन सा भाग होता है ऐसा जो आंख के रेटिना की तरह काम करता है, यह है कैमरे का फिल्म, ठीक है, कैमरे का फिल्म। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है, आप सबको पता है वो कितना होता है, वो होता है 1/6, ठीक है। जो पृथ्वी पे अगर 60 kg है, चंद्रमा पे आपका वजन हो जाएगा 10 kg, आप बहुत लाइट फील करोगे। कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है, कॉपर का जो एक मेन ओर है वो कौन सा है, वो है कॉपर पेराइट, ठीक है, कॉपर पेराइट एक कॉपर का जो मेन ओर है वो है। देखो अब कहीं पे आपको ऑप्शन कॉपर पेराइट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कैल्को पेराइट, क्या मिलेगा, कैल्को, आप इसको नोट डाउन कर लो, कैल्को पाइराइट, पाइराइट, ठीक है, कैल्को पाइराइट। तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन मिल सकता है कैल्को पाइराइट, अच्छा कैल्को पाइराइट भी यही होता है कॉपर पाइराइट, ठीक है। तो कॉपर का जो मेन ओर है या तो ये कैल्को पाइराइट होगा या कॉपर पाइराइट होगा। ये एक्चुअली में इसका इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CuFeS2, आप इसको भी नोट डाउन कर लो, CuFeS2, यानी यह है कॉपर आयन सल्फाइड, क्या है, कॉपर आयन सल्फाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर पेराइट या कैल्को पेराइट, ठीक है। आप इस तीन पॉइंट को नोट डाउन करके रख लो। शुष्क अग्निशामकों में भरा जाता है, यानी ड्राई जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो उसमें भरा हुआ रहता है रेत और बेकिंग सोडा, क्या भरा हुआ होता है, रेत और बेकिंग सोडा। फॉस्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है, यानी सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा है, इसका भी आपका आंसर गलत है, सबसे अधिक रिएक्टिव होता है पीला फॉस्फोरस या व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, जिसको आप उजला फॉस्फोरस बोलते हो उसी को पीला फॉस्फोरस भी बोलते हो। तो पीला फॉस्फोरस या उजला फॉस्फोरस ये होता है सबसे अधिक रिएक्टिव, आपका यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, लाल फॉस्फोरस नहीं होगा, आंसर होगा पीला फॉस्फोरस, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ से याद रखना, पीला इक्वल टू व्हाइट, क्योंकि वो हल्का येलोइश व्हाइट होता है, इसलिए उसको या तो पीला फॉस्फोरस बोल देते हैं या व्हाइट फॉस्फोरस बोलते हैं। कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन क्या है, तो कोयले का शुद्धतम रूप ये आप सब जानते होंगे क्या है, तो ये है एंथ्रासाइट। कोयले का चार रूप होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। पुताई के काम आने वाला चूना का सूत्र क्या है, पुताई का काम आने वाला, देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दे दिया है, पुताई का काम आने वाला इसका मतलब वो घुला हुआ चूना, इसका मतलब वो क्या हो गया आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम ये होता है आपका बुझा हुआ चूना या पुताई के काम आने वाला चूना। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे रखा गया, उसको रखा गया बढ़ती हुई परमाणु संख्या में, कैसे रखा गया, बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है आपका नॉल और रुस्का ने, किसने किया है, नॉल और रुस्का ने। आलू में आलू के खाए जाने योग्य भाग कौन सा है, तो आलू का खाए जाने वाला पार्ट क्या है, यह है उसका तना, आप जानते हो आलू एक तरह का तना है यानी स्टेम है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है, अब देखो ये क्वेश्चन एक बार और गलत हुआ था, एक बार फिर से आपका गलत हो गया, तो क्वेश्चन मलेरिया दिवस जब होता है उसका ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर है सी, सी। देखो ये एक्चुअली हो सकता है कि ये कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो और वहां पे आपके ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, इस तरह का ऑप्शन दिया हो, इसलिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। 20 अगस्त को मलेरिया दिवस नहीं, इस दिन मच्छर दिवस मनाते हैं यानी मॉस्क्यूटो डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, मॉस्क्यूटो डे। लेकिन मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 25 अप्रैल को, कब मनाते हैं, 25 अप्रैल, आप याद रखो 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं मलेरिया दिवस और 20 अगस्त को मनाते हैं मच्छर दिवस। तो आपको यहां से ये याद रखना है कि 20 अगस्त को क्या होता है, ये होता है मच्छर दिवस और 25 अप्रैल को होता है मलेरिया दिवस, ठीक है। जिस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है, यानी वो टेम्परेचर आपको बताना है जिस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है। अब देखो यहाँ पे भी आपका वो एक मैंने बताया था रेंज वाला, वो यहाँ पे एरर किया है,
अब 38 भी दिया है, 40 भी दिया है, आपका आंसर है 40 जो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लेना है। इसलिए आंसर होगा इसका ए 38 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम जो है वह मोस्ट एक्टिव होता है आपका जो बॉडी टेम्परेचर उसके आसपास, ठीक है। आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही एंजाइम जो है मोस्ट एक्टिव होता है, लगभग 37.5 आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बॉडी थोड़ा सा हीट और ज्यादा हो जाए तो इसके आसपास में आपका एंजाइम जो है वो बहुत अधिक सक्रिय होता है। तो आंसर यहां से आप इसका राउंड ऑफ करोगे तो 38 ले सकते हो, ना कि 40। अगर ऑप्शन में 20, 60, 40, 80 रहता तो आपका आंसर हो जाता 40, लेकिन यहाँ पे 38 है इसलिए आपका आंसर होगा 38। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, अब हम लोग देख रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1970 में, ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का कब हुआ था, ये हुआ था 66-67 में। कब हुआ था, 66-67 में। तो देखो ईयर जनरली आपको याद नहीं होता है, जब आप सेट बनाते हो बार बार वो चीजें आती है तो फिर आपको धीरे धीरे याद हो जाता है। तो अभी जैसे आपने सीखा व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था 1970 में और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1966-67 में। अब अगर पहले भी आपने देखा होगा, फिर से आपने देखा, एक बार और अगर देखोगे तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। गन्ना की उत्पत्ति कहां से हुई थी? गन्ना आप जानते हो सुगर केन, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ था, इसका हुआ था भारत से, भारत से ही गन्ना का उत्पत्ति हुआ था, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेट 31, जल्दी मिलेंगे सेट 32 के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।